हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल बोरसे गार्डनिंग प्लांट में। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी हाइब्रिड वाला आम है या कोई भी आम है जो कि फल नहीं दे रहा है और बहुत समय हो गया है दोस्तों उसको, न उसमें फल लग रहे हैं ना फूल लग रहे हैं, हम आपको ऐसा खाद ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका कितना भी साल पुराना आम तुरंत के तुरंत फलने लगेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में बने रहे हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये देसी आम है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे से मिट्टी में लगा हुआ है, और ये देखिए भी ग्राफ्टिंग वाला आम है जो कि देसी आम को ही देसी में ग्राफ्टिंग किए हुए हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये पौधा कितना मुरझाया हुआ और एकदम सूखा हुआ है दोस्तों, इसमें ना फूल है ना फल लगे हुए हैं दोस्तों आज हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे आजमा के आप एकदम पुराने से पुराने पौधे में भी फल लगा सकते हैं और फूल लगा सकते हैं दोस्तों ये देखिए, ये देसी आम का पौधा, इसमें किस प्रकार से फल और फूल आते हैं आप देख के एकदम हैरान हो जाने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले आप कोई भी आम रहे, आपके पास कोई भी आम है, कितना भी साल पुराना आम हो, उसको सबसे पहले यहाँ पे ला लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कैल्शियम नाइट्रेट का खाद है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसमें डीएपी और कैल्शियम नाइट्रेट दोनों मिक्स है दोस्तों आपको बता दो कि ये ग्रोमर खेतों में फसलों में डाला जाता है दोस्तों, जिसको डाल के हम आम के पौधे में एकदम चार चांद लगा के 12 महीना उसमें फल ला सकते हैं दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले अपने को करना क्या है, आम से थोड़ा सा दूर में साइड में उस खाद को डाल देना है दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों कि उस पेड़ के एकदम पास में खाद को नहीं डालना है, 2 से 3 इंच की दूरी में ही उसको डालेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये खाद को डालने से आखिर होगा क्या, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये खाद को डालने से पौधा एकदम स्ट्रांग होता है दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो नई नई पत्तियाँ है उसमें अच्छी तरह से फूल आएंगी, उसके बाद पौधे का भी ग्रोथ होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं 10 से 15 दिन के बाद ये पौधे का रौनक। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 15 दिन के बाद इस पौधे में किस प्रकार से फूल और फल दोनों लग गए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उस खाद का यही कमाल है दोस्तों, आप देख सकते हैं खाद उतना घुला भी नहीं है दोस्तों, ये वाला खाद ज़्यादा घुलता नहीं, आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार सभी डंगालियों में फूल और फल नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने आम के पौधों को एकदम ज़बरदस्त बनाना हो और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पुराना से पुराना आम का पौधे में अच्छा फल अच्छा फूल लगे दोस्तों, ये वाले टिप्स ज़रूर अपनाएं दोस्तों आपको बता दें ये खाद को डालने से ना केवल फूल और फल आते हैं बल्कि पौधे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है दोस्तों, और पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं दोस्तों आप सबको बता दें कि अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक बिल्कुल फ्री में पहुंच जाए दोस्तों आप देख सकते हैं कि उस खाद ने कितना कमाल किया दोस्तों, जो कि हमारा 3 साल पुराना पौधा था उसमें तुरंत फल आ गया दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।